बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द बायोसाइंस अरीना एंड दिस इज मानसी गोस्वामी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलाइजा के बारे में। एलाइजा एक टेक्निक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई भी जो टेक्निक होती है उसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्यों है, यानी कि वो टेक्निक हम क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये तीन चीज किसी भी मेथड, किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी टेक्निक के बारे में हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो वो चीज हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसी के साथ हमें किसी भी टेक्निक का प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए कि वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है। तो आज हम एलाइजा के बारे में ये ही चीज डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके टाइप्स यानी कि जो एलाइजा है ये कितने तरह के होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एलाइजा को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एंगवेल एंड पर्लमैन ने कब, 1971 में। में हम बायोलॉजिकल पार्टिकल्स का डिटेक्शन कर सकते हैं और उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं। बायोलॉजिकल पार्टिकल से क्या मतलब है, जैसे कि एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, प्रोटीन्स एंड एक्सेट्रा, इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, एलाइजा के थ्रू। और अब ये जो एलाइजा है ये दो तरीके से वर्क करता है, इट वर्क्स एज ए क्वांटिफाइंग एंड आल्सो क्वालिटिफाइंग। क्वांटिफाई से क्या मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटी बताना यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना कि कितने प्रेजेंट हैं, और क्वालिटीफाइंग से क्या मतलब है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है। मान लीजिए हमें कोई एंटीजन देखना है जैसे कि वायरस, तो वो उस सैंपल में, उस सीरम में प्रेजेंट है भी या नहीं, और अगर वो वायरस प्रेजेंट है तो कौन सा स्ट्रेन है उसका, ये चीज कौन बता सकता है, एलाइजा बता सकता है। अब ये जो एलाइजा है ये इम्यूनोप्लेट बेस्ड एसे है। इससे क्या मतलब है, क्योंकि हम इससे एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, जिसकी वजह से हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस एंटीजन की वजह से कोई डिसीज कॉज हो भी रही है या नहीं हो रही, जैसे कि डेंगू है, एचआईवी वायरस की वजह से एड्स होता है, तो ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने बोला इम्यूनो। अब प्लेटेड का क्या मतलब है, तो ये जो एलाइजा है ये एक प्लेट में होती है जिसमें कि 96 वेल होती हैं, और कम ज्यादा भी हो सकती है, जो नॉर्मली यूज की जाती है वो 96 वेल की यूज की जाती है, जिसे कि पॉलिस्ट्रीन प्लेट भी बोलते हैं, जिसमें कि जो अगर हम एक वेल को डीपली देखें तो इस तरीके से दिखती है। इसी तरीके से एक पूरी प्लेट होती है उसमें 96 वेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसीलिए हमने बोला इम्यूनोप्लेटेड बेस्ड ऐसे है क्या, एलाइजा। और ये जो एलाइजा टेक्निक है सबसे पहले एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया गया था। तो ये है कुछ बेसिक पॉइंट्स एलाइजा के बारे में। तो अब हम इससे इसके डेफिनेशन भी बना सकते हैं कैसे, इट इज एन इम्यूनोप्लेटेड बेस्ड एसे विच वी क्वांटिफाइंग और डिटेक्ट और मे बी क्वालिटिफाइंग द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, इट मे बी एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, प्रोटीन्स और मे बी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एक्सेट्रा। तो ये हो गई एंजाइम की डेफिनेशन, और अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट यानी कि क्या है। अब इसी में ही डेफिनेशन में ही क्यों यूज किया जाता है ये भी है कि हम इन सभी को डिटेक्ट करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए हम एलाइजा का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल एलाइजा का, कि जो एलाइजा है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो हमने कहा कि एंटीजन या एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलाइजा। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमने देखा था माइक्रो प्लेट में होता है ये सब प्रोसेस, तो उसकी एक वेल ले लेते हैं। तो अगर हम कहें हमें किसी एंटीजन का डिटेक्शन करना है कि ये है या नहीं, तो एंटीजन को हम नॉर्मली इससे इंडिकेट करते हैं और एंटीबॉडी को हम इंडिकेट करते हैं इससे। तो ये सिंबल है एंटीजन एंटीबॉडी के, तो हम इसमें अपने एंटीजन डाल देते हैं। एंटीजन डालने के बाद हम इसमें एंटीबॉडीज डाल देते हैं जो कि इनसे लिंक्ड अप हो जाती हैं, और ये जो एंटीबॉडी होती है इनमें एंजाइम लिंक्ड होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो जैसे ही हम अब इसमें कोई सबस्ट्रेट डालेंगे,
क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। अगर कलर देता है इट मींस इसमें एंटीजन प्रेजेंट है, अगर कलर नहीं देता है तो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये ही है एलाइजा का प्रिंसिपल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यूज एन एंजाइम टू डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंडिंग एंड एंजाइम कन्वर्ट द कलरलेस सबस्ट्रेट इनटू कलर। तो ये है प्रिंसिपल एलाइजा का। हम एलाइजा को एंटीजन और एंटीबॉडी के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। तो एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये पॉइंट भी हमें क्लियर होने जरूरी है। तो एक डेफिनेशन से ही हम समझ लेते हैं दोनों का क्या मतलब है। एंटीजन एक वो फॉरेन पार्टिकल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो वो फॉरेन पार्टिकल वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं जिसकी वजह से डिसीज कॉज हो जाती है। अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको बनाता है। किस लिए? ताकि ये जो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर किए हैं इनके अगेंस्ट फाइट अप कर सके। तो ये है एंटीबॉडी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एलाइजा। तो एलाइजा को मेजरली तीन पार्ट में डिवाइड किया है। और ये किस बेस पे किया है? इनके बाउंडिंग के बेस पे किया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का जो बाउंडिंग है या बाइंडिंग है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले है डायरेक्ट एलाइजा, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट एलाइजा, एंड थर्ड वन इज सैंडविच एलाइजा। तो ये है एलाइजा के टाइप्स। तो तीनों का जो प्रोसेस है, यानी कि अगर हम इन तीनों को प्रोसीड करते हैं तो मेथड अलग अलग है। हम तीनों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्ट एलाइजा के बारे में बात करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा दोनों के बारे में एक साथ बात करेंगे। हम अब बात करते हैं डायरेक्ट एलाइजा के बारे में। डायरेक्ट एलाइजा को हम सिंपल एलाइजा भी कह सकते हैं क्योंकि ये सिंपलेस्ट मेथड है, और हम इसको क्विकेस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। इसलिए यूज किया जाता है एंटीजन के डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको डायरेक्ट एलाइजा क्यों बोला है? क्योंकि इसमें जो एंटीजन होते हैं इनका डायरेक्ट लिंक होता है एंटीबॉडी से, और इनका डायरेक्ट लिंक होता है एंजाइम से। तो इसीलिए हमने इसको बोला है डायरेक्ट एलाइजा, और ये सबसे सिंपल मेथड है किसी भी एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एलाइजा में सबसे पहले क्या जरूरत होती है? सैंपल की। तो वो सैंपल क्या होता है? सीरम। लीजिए, हमें अगर कोई पेशेंट है उसका ये देखना है कि डेंगू है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पेशेंट का ब्लड लेंगे एंड देन ब्लड में से सीरम को आइसोलेट करेंगे। सिंपल सेंट्रिफिगेशन से भी सीरम आइसोलेट हो सकता है। अब उसके बाद जो सीरम है उसमें एंटीजन प्रेजेंट होंगे, यानी कि मान लीजिए वायरस या कोई पैथोजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम वायरस की बात कर रहे हैं तो हम वायरस को ही एज ए एंटीजन लेके चलेंगे। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि जो हमारा सैंपल है, सैंपल से मतलब एंटीजन, एंटीजन को पोर करेंगे हम प्लेट में, माइक्रो प्लेट जो थी उसमें हम इसको पोर करेंगे। तो ये है एंटीजन। अब एंटीजन जब हमने इसमें पोर कर दिया तो ये जो माइक्रो प्लेट होती है, इसकी जो सरफेस होती है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है कि इसमें चाहे एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो, दोनों ही आके डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने सीरम डाला तो जरूरी नहीं है जितने भी एंटीजन थे वो इस पे आके, यानी कि सरफेस पे आके बाइंड कर जाएं। कुछ फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, यानी कि अनबाइंडिंग भी हो सकते हैं। तो दूसरा स्टेप होता है हमारा वॉशिंग। तो वॉशिंग हम किसकी मदद से करते हैं? किसी एक स्पेसिफिक बफर की मदद से करते हैं।
अब तीसरा स्टेप क्या आता है हमारा, तीसरा स्टेप है एडिंग ब्लॉक बफर सॉल्यूशन से क्या मतलब है? अब मान लीजिए अगर हम इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी डालेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे, तो क्या होगा कि एंटीजन से तो लिंक हो सकता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि एंटीजन से लिंक है या फिर सरफेस से जाके लिंक हो रहा है, जिसकी वजह से जो रीडिंग आएगी, जो एनालिसिस आएगी रिजल्ट की, वो फॉल्स भी यानी कि गलत भी हो सकती है। तो सिंपल कहने का क्या मतलब है कि अगर हम इसमें एंटीबॉडी डालते हैं जो कि एंजाइम लिंक्ड होती है, तो वो इस तरीके से भी हो सकती है एंटीजन से लिंक, जो कि हमें ये ही चाहिए, लेकिन हमने बोला ये जो सरफेस होती है ये एंटीबॉडी को भी इंटरेक्ट कर लेती है, यानी कि एंटीबॉडी से भी बाइंड अप कर लेती है, तो ये इस तरीके से भी हो सकती है। तो इस चीज की वजह से हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है, ये ही कहने का मतलब है। तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हम ब्लॉक बफर डालते हैं। जैसे ही हम इसमें ब्लॉक बफर डालेंगे तो जो इसकी एम्प्टी स्पेस होगी वो फिल हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं सरफेस पे आके बाइंड नहीं करेगी। ये ही है इंपॉर्टेंस ब्लॉक्ड बफर। और कौन सा बफर हम यूज करते हैं? हम बफर यूज करते हैं BSA यानी कि बोवीन सीरम एल्ब्यूमिन, ये बफर हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी और एंटीजन पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को इस वेल के अंदर पोर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने एंटीबॉडी को इसमें पोर कर दिया है। अब कुछ एंटीबॉडी तो अपने एंटीजन से जाके बाइंड हो जाएंगी, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज वेल में ही फ्लोट करेंगी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोबारा से वॉशिंग का, किसी स्पेसिफिक बफर के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे फ्लोटिंग एंटीबॉडीज होंगी वो वॉश आउट हो जाएंगी। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम अपना सबस्ट्रेट को इसमें ऐड करेंगे, जिसकी वजह से कलर शो होता है। हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। ये जो सबस्ट्रेट होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम के लिए, यानी कि ये डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं और उसके लिए हम कौन सा सबस्ट्रेट यूज करेंगे जिसकी वजह से कलर शो हो सके अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है। तो जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है कि अगर हम मान लीजिए ये जो एंजाइम है ये हम यूज कर रहे हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो इसके लिए हम कौन सा सबस्ट्रेट यूज करेंगे, PNPP। कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो। अब दूसरा एक और है HRP यानी कि हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज, अगर हम ये एंजाइम यूज कर रहे हैं तो इसके लिए दो तरह के सबस्ट्रेट हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि OPD या फिर TMB। तो TMB ब्लू कलर को शो कराएगा और जो OPD होगा एम्बलर कलर होता है, ये येलो और ऑरेंज के बीच का कलर होता है। यानी ये है कुछ एंजाइम्स जिसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने ये जो एंजाइम यूज किया ये है HRP एंजाइम, तो इसके लिए हम कौन सा सबस्ट्रेट ले सकते हैं, TMB, यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो कौन सा है, TMB सबस्ट्रेट है। तो जैसे ही हम इसमें सबस्ट्रेट को डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, और किस कलर में हो जाएगा, अगर एंटीजन प्रेजेंट है ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर चेंज नहीं होता है कलर तो इसका मतलब कोई एंटीजन या कोई वायरस प्रेजेंट था ही नहीं। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि अगर कलर शो करता है हमारा वेल तो हम एनालाइज करते हैं फिर बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रो
फोटोमेट्री या फिर एब्सॉर्बेंस माइक्रोप्लेट रीडर, इनकी मदद से हम अपना रिजल्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं या एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ खत्म होता है हमारा डायरेक्ट एलाइजा। तो आज की इसकी वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि एलाइजा क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, सिर्फ किसमें अभी डायरेक्ट में, इसके टाइप्स में भी हमने कौन सा पढ़ा, सिर्फ डायरेक्ट मेथड पढ़ा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा के बारे में जानेंगे। अगर आप क्यों यूज करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और अपने फ्रेंड्स में भी आगे शेयर करें, और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड उसके लिए भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।